हम जान चुके हैं कि हमारा शरीर यूरिन के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले नाइट्रोजेनस वेस्ट से छुटकारा पाता है, पर वो नुकसानदायक पदार्थ कौन से होते हैं? यूरिन में आखिर क्या निकलता है? यूरिन में 96% पानी होता है, 2.5% ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनाइन, ऑक्सलेट, विटामिन आदि होते हैं। 1.5% इनऑर्गेनिक पदार्थ यानी मुख्य तौर पर सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, कैल्सियम, आयोडीन जैसे आयन्स होते हैं। यूरिन के जरिए हमारा शरीर जो मुख्य पदार्थ निष्कासित करता है वो है यूरिया। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? अगर किडनी पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो उसे एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। हमारे शरीर में पानी और अकृष्ट पदार्थों की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इस अवस्था को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया की दिक्कत में रक्त में यूरिया आ जाता है। ऐसे में हाथ पांव सूज जाते हैं और मरीज हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा होने पर लोगों को रक्त साफ कराने के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पर डायलिसिस इसका टिकाऊ इलाज नहीं है। डायलिसिस में मरीज की मुख्य धमनी से रक्त निकाला जाता है और उसमें हेपरिन जैसा एक एंटी कोगुलेंट मिला दिया जाता है ताकि खून के थक्के न जमे। फिर रक्त को डायलाइजर नामक एक मशीन में पहुंचाया जाता है। इस उपकरण में रक्त डायलाइजिंग फ्लूइड में डूबे चैनल्स या नलियों द्वारा प्रवाहित किया जाता है। एक पतली झिल्ली नली में बह रहे रक्त और डायलाइजिंग फ्लूइड्स को अलग अलग रखती है। डायलाइजिंग फ्लूइड भी प्लाज्मा जैसे अवयवों से ही बना होता है, बस इसमें कोई भी नाइट्रोजेनस वेस्ट मौजूद नहीं होता है। क्योंकि डायलाइजर के फ्लूइड में कोई नाइट्रोजेनस वेस्ट मौजूद नहीं होता है, इसलिए रक्त में मौजूद ये पदार्थ बाहर आ जाते हैं और रक्त साफ हो जाता है। इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, पर इसमें किडनी के जैसे कुछ भी रक्त में दोबारा अवशोषित नहीं होता, इसलिए ये प्रक्रिया उतनी कारगर नहीं है जितनी किडनी के नेफ्रॉन्स द्वारा की निस्यंदन की प्रक्रिया होती है। साफ किया गया खून नस की मदद से दोबारा शरीर में डाल दिया जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया में 3 से 6 घंटे लगते हैं। कोई भी मरीज रोज डायलिसिस नहीं करा सकता। किडनी के खराब होने पर किडनी बदलना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। मरीज के समान रक्त वाले डोनर की एक काम कर रही किडनी को उस मरीज में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।